हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बनाऊंगी एक स्वीट डिश जिसको हम उड़ीसा में बोलते हैं काकरा पीठा। चलिए इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ नमक करीब हाफ टेबल स्पून, छोटी इलायची 1 टेबल स्पून, सौंफ, घी और ऑयल। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ली हूँ, आप घी भी ले सकते हैं। छेना या कॉटेज चीज, नारियल, नारियल को मैं ग्रेट करके ली हूँ। यहाँ पे मैं ली हूँ गुड़ और यहाँ पे करीब 1 कप सेमोलिना और हमको चाहिए थोड़ा सा वाटर। चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले मैं कढ़ाई को गैस में बिठा दी हूँ। अभी मैं सेमोलिना को अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी। इसको हमको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। आपको ये सौंफ दिख रहे हैं, मेरा सौंफ सेमोलिना में मिक्स हो गए थे। अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी लो फ्लेम में करीब 5 मिनट्स। आप देख रहे हैं थोड़ा सा सेमोलिना का कलर चेंज होने को आया है। अभी इस स्टेज पे हम इसको बाहर निकाल देंगे। अभी मैं कढ़ाई में डालूंगी करीब 1 टेबल स्पून ऑयल। अभी इसी ऑयल में मैं ऐड करूंगी सौंफ। सौंफ डालने के बाद अभी मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची। इसको थोड़ी देर ऐसे तेल में गर्म होने दें, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जागरी या फिर गुड़। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़ करीब 2 टेबल स्पून। अभी हम इसको ऑयल के साथ अच्छे से मिला लेंगे। करीब ऐसे 2 मिनट तक इसको चलाएंगे। 2 मिनट्स हो गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी रखा हुआ पानी। आप इसको केयरफुली ऐड करना क्योंकि जागिरी और ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसमें अगर पानी डालेंगे तो ऊपर आने का चांसेस है। गैस को स्लो में रखना, पानी डाल के इसको फिर से अच्छे से मिला लेंगे जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। आप देख रहे हैं जागिरी अच्छे से मिक्स हो गया है और पानी में उबाल भी आ गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी करीब 1/2 टीस्पून नमक। ये थोड़ा स्वाद अनुसार आप डालिएगा। नमक को भी हम इससे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट करके रखा हुआ सेमोलिना और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। फ्लेम को लो में रखिएगा। आप देख रहे हैं हम अच्छे से इसको मिक्स कर लिए हैं। अभी इसको हम ढक के करीब 3 मिनट्स लो फ्लेम में बिठाएंगे जब तक हमारा सूजी अच्छे से पक ना जाए। 2-3 मिनट्स हो गए हैं, चलो देखते हैं कैसे हुआ है। मुझे लग रहा है हमारा सेमोलिना अच्छे से पक गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी सूजी बनके तैयार है। इसको हम एक बाउल पे निकाल देंगे और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। अगर आपको सूजी ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐसे कंसिस्टेंसी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अभी इसको निकाल देती हूँ। मैं सूजी को निकाल ली हूँ और इसको ठंडा होने तक वेट करेंगे। अभी हम बनाएंगे स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैं कढ़ाई में पहले ले रही हूँ थोड़ा सा पानी। अभी इसमें ऐड करूँगी मैं ग्रेटेड कोकोनट और इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। 2 मिनट कोकोनट को फ्राई करके हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी रखा हुआ छेना या फिर कॉटेज चीज और इसको भी हम अच्छे से कोकोनट के साथ मिक्स करके 2 मिनट तक इसको चलाएंगे। 2 मिनट्स तक ऐसे मैं इसको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी बाकी रखा हुआ जागरी
और इसको जब तक हमारा गुड़ पिघल ना जाए तब तक इसको लो फ्लेम में भून लेंगे। आप देख रहे हैं गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं और फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल बिठा देते हैं, तेल लेके गैस में बिठा देते हैं। चलिए हम पिठा बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं हाथ में ऐसे ऑयल ले लूँगी। ऑयल ग्रीस करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से सूजी को लेके इसको अच्छे से मसल लूँगी। इसको करीब 1 मिनट तक ऐसे मसल लेंगे और ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसको अभी मैं ऐसे गोला बना लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा बना के रखा हुआ स्टफिंग। स्टफिंग डाल के हमको इसको अच्छे से क्लोज कर देना है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बनकर तैयार है। इस प्रोसेस में हम सारे सेमोलिना को ऐसे बना लेंगे और इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं ऑयल अभी गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें धीरे धीरे करके इसको फ्राई करूंगी। याद रखिएगा इसमें हम एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैं अभी दो डाल रही हूँ। और इसको हल्के हाथ से हम फ्राई करेंगे और ज़्यादा जल्दी इसको ना पलटें क्योंकि ये टूट जाने का चांसेस रहता है। लो फ्लेम में हम इसको नीचे के साइड ब्राउन होने तक ऐसे तलेंगे। आप देख रहे हैं यह हमारा गोल्डन ब्राउन दिख रहा है। अभी हम इसको पलट लेंगे दूसरी तरफ और इसको भी हम फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख रहे हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया है और दोनों तरफ से हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल देंगे, एक प्लेट में। आप देख रहे हैं काकरा पिठा बिल्कुल बनके तैयार है। आप इस स्वीट डिश को ज़रूर ट्राई करना और आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे डिलीशियस रेसिपी को देखने के लिए, इजी तरीके से बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।